जोड़ ले।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुम्पयप्रद्यम्पयोपदिशोपयदिव्यन्तरिक्षेपयदस्वपिप्रदिशसंसुमयम् ॐ विष्णुहरराटमसि विष्णुसम्पत्रे विष्णुशिवरसि विष्णुध्रुवसि विष्णुमसि विष्णुमेत्वा ॐ अग्निदेवता वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमादेवता वसुदेवता रुद्रोदेवता रिक्तदेवता मरुतोदेवता विश्वदेवदेवता बृहस्पतिन्द्रोदेवता वरुणोदेवता ॐ शान्त्यन्तरिक्षुभं शान्तिः पृथ्वी शांति राप शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव लेकिन बच्चों
Yeah, I have to.
विवाह की सुनियो सब चित लाए, जो सुन कर सुख होए गो सबहिं के मन माए, दुख मिटे संकट कटे सकल पाप मिट जाए। वर को ढूंढने भवन से निकले सकुन विचार, तथास्तु राधा के लायक गुणी बालक नंद कुमार, उनको मिल गए भाग्य से गुण गण के भंडार। जय श्री श्री गगन देव पंडित चलो आयो गोकुल गाँव, नंद राय जी ने उसे दीना सुंदर नर नारी देखे सभी मन में अभिनय, सोच प्रश्न भराती हमसे कही न जाए। पर विनय करे व्रतवान, नंद राय तुम हो मोहि दास, छोड़
फिर चक्कर आज कितना आ जाएगा आज ना आ जा आ उरा ना आ जा आ जा आ जा समझदार की बहुत बहुत पंडित क्या करो क्या बामन क्या करो उल्टा काम करो समझदार किसन घूम कर ना ओम भाई और
चलो बेटा सर ब्या तो आज बोला जावत कन्याना बाम अंगी जावत कन्या कुमार का जब तक कन्या बाम्यांग नहीं आ जाती तब तक आदि कमारी संज्ञा मान जाती है, इसलिए बाम्यांग आने के लिए सात वचन मांगती है। जैसे पहले यहाँ स्थान प्रधान है, बल प्रधान नहीं है। स्थाने स्थित का पुरुष अति वीर है, अपने स्थान पर कायर पुरुष भी वीर हो जाता है। कुत्ता भी मैं आपके प्रभाव को तब जानूं, कंठ स्थित हो गर्जे से अपि शंकर से। आप भगवान शंकर के कंठ में स्थित होकर गर्जना कर रहे हैं, रुद्र कलश से निशान है। जब आप भगवान रुद्र के गले से नीचे आकर गर्जना करो, फुफकार मारो, तब मैं आपके बल को, आपकी शक्ति को मैं पहचानूंगा। इस प्रकार जब उनको विवाद बढ़ता हुआ मंदराचल पर्वत की ओट लगा दी गई, जिससे आपस में देख नहीं सके और शांतिपूर्वक सभी काम हो जाए। अब ये लड़की सात वचन मांगती है। व्रत तीर्थ उद्यापनम यज्ञ कर्म मया सहम क्रियाम जगात कन्या वचन प्रथम। पहला वचन मांगती है, कोई भी जो विदेशी संस्कृति है इसको हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कृति का पालन करो तथा हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार ही अपने परिवार को चलाओ, तो मैं आपके भाव में आ सकती हूँ। कुटुम्ब परिवार की संरक्षा सनातन धर्म के अनुसार मेहनत करके करो तथा पूरे परिवार में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखो। अपने पूरे परिवार को अपना ही परिवार समझकर कार्य करो और उसका पालन पोषण करो, तो मैं आपके वाम्यंग आ सकती हूँ। स्वसाध्य का पांचवा वचन मांगती है, कोई भी लेन देन करो, कोई भी व्यवहार करो, कोई भी हानि और लाभ हो वह मुझे बताकर करो, तब मैं आपके वाम्यंग आ सकती हूँ। ऐसा नहीं हो कि हानि होने पर आप अपने मन में दुखी होते रहो और लाभ होने पर केवल अपने मन में ही खुश होते रहो। आज से मैं आपके अंगिनी हूँ, आपके हर सुख और दुख की आदि भागीदार हूँ, इसलिए हर सुख दुख को मेरे साथ बांटते करो, तो मैं आपके छठा वचन मांगती है, यदि मैं अपनी सहेलियों की सखियों के साथ बैठी हुई हूँ, मद्यपान करके नशे में या घमंड में आकर मेरा अपमान न करो, प्रेम से नम्रता पूर्वक मेरे साथ व्यवहार करो तथा मेरे अनुसार ही आचरण करो, तो मैं आपके बारे में आ सकती हूँ। पर स्त्री मात्र समान संरक्षण स्नेह सदा से मानन कांत कुरियाम बामंग एदा करात वदन जगात कन्या वचनम सप्तम। सातवां वचन मांगती है, अपने से बड़े उम्र वालों को अपने माता पिता के समान, अपने से छोटे उम्र वालों को देख
बस हमें सुधर इतनी देर हो गई सिंदूर नून लगा क्या लगा एंड पॉइंट क्या तुमने हाँ हाँ तुमने नून लगा दे एक एक बच्ची का लगा दे लगा दे बच्चा पसंद है और क्यों तीनों पे क्यों क्यों समझदार बहुत समझदार बस ओनली बहुत समझदार खूब बताएंगे Yeah.